आजिकार ऑनलाइन डिजिटल सेशन को समस्त को स्वागत आम आलोचना करूचु आम FC-2 बहीर यूनिट 5 परिसंख्यान विषय को एवं यही विषय कि अंश को आम आलोचना कर सारी आजिकार ए सेशन रे आम आलोचना करवा पौनःपुण्य बहुभुज अंकन विषय ता सहित वृत्तलेख अंकन विषय तो प्रथम आम देखा पौनःपुण्य बहुभुज कौन एवं यह कमी भाव में आम अंकन करवा तो पौनःपुण्य बहुभुज है एक विषम बहुभुज क्षेत्र भुज माने बाहु विषम माने जो बाहु गुड़िकर दैर्घ्य सामान न थाए तो पौनःपुण्य बहुभुज होपरी एक क्षेत्र जार विभिन्न बाहु गुड़िकर दैर्घ्य सामान न थाए माने विषम दैर्घ्य विशिष्ट अनेक गुड़े बाहु को नहीं जो क्षेत्र गठित होता है आम कह पौनःपुण्य बहुभुज क्षेत्र ये प्रकार बहुभुज अंकन आमको केतेक सोपान दे गति करने हे तो से सोपान गुड़ी आम फास्ट देखा ये तो यही पौनःपुण्य बहुभुज को आम ग्राफ कागज अंकन करवा तो प्रथम ग्राफ कागज रे परस्पर प्रति लंब भावे दंडायमान दुईट रेखाखंड अंकन करने को हम ये दुईट रेखाखंड मध्य गोटे को आम आनुभूमिक रेखा बा एक्स अक्ष नवा अंटी को भूलंब रेखा वाय अक्ष नाम आम नामित करवा एवं अक्षदय छेदबिंदु को मूल बिंदु रूप नवा एवं यहाँ शून नाम आम नामित करवा तो यूँ आम जान ला गोटे ग्राफ कागज आमको दुईट अक्ष अंकन करने को पड़ू गोटे एक्स एवं गोटे वाय गोटे आनुभूमिक एक्स अक्षटी आनुभूमिक रोचे भूमि सहित समांतरला भाव रोचे आउ गोटे वाय अक्ष जहाँ कौचु से आमपाई भूलंब बा भूमि सहित लंब भाव में आम अंकन करवा एवं उभय अक्षर छेदबिंदु को आम नामित करूँ शून नाम से छेदबिंदु को आम मूल बिंदु भाव आम नवा तो एक्स अक्ष उपर लब्धांक गुड़ी को आम चिह्नित करवा आमर जहाँ लब्धांक थे आम एक्स अक्षर चिह्नट करवा एवं वाय अक्षर से ही लब्धांक गुड़िकर जहाँ बारंबारता थे आम चिह्नट करवा तो सर्वनिम्न लब्धांकर पूर्व संभाग को आरंभ कर सर्वोच्च लब्धांकर परवर्ती संभाग को मध्य आम ये चिह्नट कर तो आम एक्स अक्षर कौन करवा सर्वनिम्न लब्धांकर पूर्व संभाग रु आरंभ कर सर्वोच्च लब्धांकर परवर्ती लब्धांक पर्यंत समस्त लब्धांक गुड़ी को आमको चिह्नट करिवार अछि तो ये आम जान ला जो लब्धांक आमको दिखाई मानने जो लब्धांक आम आरंभ हो दस रु कोड़े गोटे लब्धांक अच्छी तो आमको कौन करार अच्छी तार पूर्व संभाग रु ही आरंभ करवा दस रु कोड़े रु आरंभ हो मानने आम कौन कर शून रु दस यही ही आरंभ करवा धरने जो सर्वोच्च लब्धांक अच्छी अशी रु नब्बे किंतु आम कौन करवा अशी रु नब्बे सर्वोच्च लब्धांक किंतु ता परवर्त लब्धांक को मध्य आमको चिह्नट करार अच्छी मानने नबे रु शहे तो आमको शून रु आरंभ कर शहे पर्यंत आमको चिह्नट करार अच्छे शून रु दस दस रु कोड़े एमती कर आमको नबे रु शहे लब्धांक पर्यंत चिह्नट करार अच्छी एक्स अक्ष तापर आम एक्स अक्ष उपरिस्त प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु गुड़ी को आम चिह्नट करवा से ही मध्यबिंदु गुड़िकर बारंबारता जहाँ थी आम एक्स अक्ष दिगरे जोठारे से सूचित होते से बिंदु गुड़ी को आम स्थापन करवा तो एक्स अक्षर आम कौन कर प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु को मध्य आम चिह्नट करवा से ही मध्यबिंदुर जहाँ बारंबारता रही बारंबारता को आम कौन करवा एक्स अक्ष दिगरे एक्स अक्षर आम से ही बिंदु गुड़ी को आम स्थापन करवा धरने जो गोटे संभाग थिला दस रु कोड़े थिला तार मध्यबिंदु थिला आमर पंदर थिला मध्यबिंदु पंदर तो से पंदर मध्यबिंदुर बारंबारता जहाँ थी धरने जो बारंबारता अच्छी पाँच अच्छी तो से पाँच को आम वाय अक्षर आम चिह्नट करवा तो यठार प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु उपर ही से ही संभागर बारंबारता प्रतिफलित हो उल्लिखित बिंदु गुड़ी को क्रम अनुसार रेखाखंड द्वारा संयोग करपरी आम कर सारापर प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु मान मध्यबिंदु जो बारंबारता रही से बारंबारता गुड़ी को वाय अक्षर आम चिह्नट कर सारापर आम कौन करवा
उल्लिखित बिंदु गुड़ी को माने वाय अक्षर एवं एक्स अक्षर आम बिंदु निर्णय करवा बिंदु चिन्हवा एवं प्रत्येक बिंदु को क्रम अनुजाई आम जोड़ा एवं गोटे गोटे रेखाखंड पाइबा यापर आम कौन करवा सर्वनिम्न संभागर पूर्व और सर्वोच्च संभागर परवर्ती संभागर मध्य बिंदु को आम सूचाइबा एटी मुझे ये धरने जो संभागटा दस रु कोड़े रु आरंभ हो किंतु तार पूर्व संभाग मान आम बुझा शून रु दस तो शून रु दस रध्यबिंदु हूँ पाँच तो से पाँच कुमें जोड़ा ता सहित सर्वोच्च मान धरने जो सर्वोच्च संभाग अशी रु नबे अच्छी किंतु तार परवर्ती संभाग को मध्य हमको चिन्हबार अछि तार परवर्ती संभाग होउछि 90 रु 100 एवं तार मध्य बिंदु को बा 95 को मध्य हमको चिन्हट करिवार अछि तो एही दुई संभागर बारंबारता शून अटे जेहेतु आमको एठी बारंबारता दिया हि नै जे पूर्व संभागर शून रु 10 संभागर बारंबारता दिया हि नै किंबा 90 रु 100 संभागर बारंबारता दिया हि नै सेतिपय ए संभाग गुडीकर बारंबारता शून अटे एही दुई मध्य बिंदु को पूर्व असंपूर्ण बहुभुजर प्राप्त बिंदु द्वय संगे संयुक्त करिवार अछि वर्तमान आमे गोटे तथ्यावलीर एक पूर्णपूर्ण बहुभुज अंकन करिवा एवं जे गुडे जे स्टेप गुडे को आमे फॉलो कला से अनुसार आमे एक बहुभुज अंकन करिवा एठी गोटे सारणी रे विभिन्न मान तथ्य गुडी को दिया हेछि एवं एही तथ्य गुडी को नै आमे एक पूर्णपूर्ण बहुभुज अंकन करिवा तो एठी लब्धांक गुडी को दिया हेछि एठी जो दिया हेछि विज्ञान परीक्षा लब्ध फलांक माने विज्ञान परीक्षा रे केते केते नंबर रखिछन्ते पिला से हिसाब रे दिया हेछि तो एठी लब्धांक गुडी को दिया हेछि माने 10 रु 20 20 रु 30 30 रु 40 एमिति 80 रु 90 पर्यंत दिया हेछि एवं प्रत्येक लब्धांकर बारंबारता दिया हेछि तापर आम काम होठी आम संभागर मध्यबिंदु को निर्णय करवा तो संभागर मध्यबिंदु को आम कमी निर्णय करवा तो प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु निर्णय करने आम कौन करवा प्रत्येक संभागर निम्न सीमा एवं उच्च सीमा को जोग कर बाय टू करवा दुई द्वारा भाग करवा तो एल वन प्लस एल टू बाय टू ये जो दिखाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय टू मान संभागर निम्न सीमा एवं उच्च सीमा को जोग कर सारापर ताको दुई द्वारा भाग करवा तो आम प्रथम देखा 10 रु 20 गोटे संभाग थी 10 और 20 को मिसाइल हूँ 30 बाय 2 कले हम 15 तो सहीपरी आम प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु को प्रथम निर्णय करवा ता सहित बारंबारता गुड़िकर समष्टि ये दिखाई एन इज इक्वाल टू 50 मान प्रत्येक बारंबारता को मिसाइला समष्टि हूँ 50 तो वर्तमान अंकन कराही बहुभुजटी को आम देखा एटी एक्स अक्षर लेखाही लब्धांक गुड़िक लेखाही 10 रु 20 20 रु 30 30 रु 40 एमती 90 पर्यंत थिला किंतु आम जाना जे जो संभाग दिखाई तार पूर्व संभाग को मध्य आमको चिन्हट करार अच्छी सहित पूर्व संभागर मध्यबिंदु को चिन्हट करार अच्छी सहित सर्वोच्च संभाग आम जहाँ भी थी तार परवर्ती संभाग को चिन्हट करवा सहित परवर्ती संभागर मध्यबिंदु को मध्य आमको चिन्हट करार तो ये आमर संभाग थिला सर्वनिम्न संभाग थिला 10 रु 20 10 रु 20 संभाग रु आमर आरंभ होइतिला तो तार पूर्व संभाग हेबो 0 रु 10 एवं तार मध्यबिंदु हेबो 5 सेही परि आमर सर्वोच्च संभाग थिला 80 रु 90 तो तार परवर्ती संभाग हेबो 90 रु 100 एवं तार मध्यबिंदु हेबो 95 याकु मध्य चिन्हट करा हेछि तुमे माने देखि परथबो तो आम ये देखला जे एक्स अक्षर कौन कर संभाग गुड़ी को निहि संभाग गुड़ी को चिन्हट कराई तो वर्तमान आम देखा जे आम प्रत्येक संभागर आम कौन कर मध्यबिंदु निर्णय कर सारी तो 10 और 20 संभाग जो थी तार मध्यबिंदु थी 15 एवं से 15 बारंबारता थी 3 तो आम कौन करवा 10 रु 15 जो संभाग था से बारंबारता 3 को आम वाय अक्षर चिन्हट करवा वायर गोटे बिंदु आम चिन्हट कला 3 को ठीक से 20 रु 30 जो थिला संभाग तार बारंबारता थिला 5 थिला तो ताकु मध्य चिन्हट कराई तापर 30 रु 40 संभागर जहाँ थिला सेटा 6 थिला ताकु चिन्हट कराई तो एमती प्रत्येक बिंदु को वाय अक्षर आम चिन्हट कर सारापर तापर आम शेष आम कौन करवा आम आमर जो थिला माने सर्वनिम्न संभाग जो थिला सर्वनिम्न संभागर आमर पूर्ववर्ती संभाग जहाँ थिला एठी माने 0 रु 10 जो थिला तार मध्यबिंदु थिला 5 से 5 ठारु आरंभ कर आम रेखांकन करवा तो प्रत्येक 5 रु आरंभ कला आम एवं प्रत्येक संभागर मध्यबिंदु माने मध्यबिंदु को आम मध्यबिंदु को चिन्हट कर आम कौन करवा रेखांकन करवा तो एठी 0 रु 10 जो संभाग थिला तार
शून्य दस जो संभाग थिला तार मध्यबिंदु है पाँच एवं यार जेहेतु यार आमर कौन बारंबारता नहीं तार बारंबारता हूँ शून्य तापर दस रु कोड़े तार मध्यबिंदु थिला पंदर एवं तार बारंबारता थिला तीन तो सहीठे आम एक बिंदु अंकन कला तापर कोड़े रु तीस तार बारंबारता थिला पाँच सहीठे आउ गोटे बिंदु अंकन कला और प्रत्येक बिंदु को आम जो जग कर रेखाखंड अंकन करवा तो पाँच रु आरंभ हे और से रेखाखंड गुड़िक जाए शेषे आम 95 रे शेष हे 95 रे कौन शेष है आमर सर्वोच्च लब्धांक माने आमर सर्वोच्च संभाग थी 80 रु 90 किंतु आमको नेबार थिला आमर स्टेप्स हिसाब से आमको नेबार थिला तार परवर्ती संभाग मध्यबिंदु पर्यंत तो तार परवर्ती संभाग थिला 90 रु 100 एवं तार मध्यबिंदु थिला 95 तो एठु 5 रु आरंभ करि आमे 95 पर्यंत जो सब जो रेखा अंकन कला से रेखा गुड़िकर दैर्घ्य समान हुए सेइतिपई एटा हला गुडे विषम माने पौनपुण्य विषम बहुभुज पौनपुण्य बहुभुज आमर विषम बहुभुज है यहाँ पौनपुण्य बहुभुज अंकन कला आम एटी तो एटि आम एक्स अक्षर जो संभाव गुड़िक चिह्नट कर संभाव गुड़िक चिह्नट कर केवल मध्यबिंदु गुड़िक चिह्नट कर समान समान व्यवधान में मध्यबिंदु गुड़िक चिह्नट कर आम बहुभुजन अंकन कर तो संभागर मध्यबिंदु निर्णय करार सूत्र को आउ थ देखा जे संभागर निम्न सीमा जोग उच्च सीमा बाय टू कले आम पाचु संभागर मध्यबिंदु संभाग गुड़िक जमीती धरने जो संभाग गुड़ विच्छिन्न संभाग जदि अच्छी धरने आज दस रु उन्नीस कोड़े रु अंतीस एमती जब विच्छिन्न संभाग अच्छी विच्छिन्न कौन पर कहुई संभाग दुई प्रकार अच्छी गोटे निरवच्छिन्न संभाग एवं आउ गोटे विच्छिन्न संभाग निरवच्छिन्न संभाग मानने धरने आज गोटे संभाग अच्छे दस रु कोड़े पुणी कोड़े रु स्टार्ट होती कोड़े रु तीस तीस रु चालीस चालीस रु पचास यहाँ कंटिन्यूअसली चली आम कह निरवच्छिन्न संभाग कितु एटी अच्छी दस रु उन्नीस कितु उन्नीस रु आरंभ होने कोड़े रु आरंभ हो पुणी दस रु उन्नीस कोड़े रु अंतीस आरंभ हम तीस रु तो यहाँ हूँ विच्छिन्न संभाग तो यही संभाग जदि अच्छी तो यही संभाग गुड़िकर मान आम जिते बारे मध्यबिंदु निर्णय करार थोले आम कौन करवा प्रति संभागर निम्न सीमा को आमको फास्ट निर्णय करवाक उच्च सीमा को निर्णय करवाक तो विच्छिन्न संभाग गुड़िकर निम्न सीमा निर्णय करने आमको कौन करवाक पड़ो मान जो विच्छिन्न संभागर निम्न सीमा निर्णय करने संभागर जो निम्न मान निम्न संभाग जो मान संभाग जो निम्न सीमा अच्छी से आम कौन करवा 0.5 माइनस करवा उच्च सीमार संभागर उच्च सीमार आम कौन करवा 0.5 एड करवा जोग करवापर आम कौन करवा माने ये उच्च सीमा एवं निम्न सीमा निर्णय हो सारापर उभय को मिसाई बाय टू कले आम पाई मध्यबिंदु तो ये आम मानने एपरी नक आम कौन कर 10 प्लस 19 बाय 2 कले 14.5 आम पाइपु एवं प्रत्येक संभाग माने ये निम्न सीमा एवं उच्च सीमा निर्णय करेंटा को आम पाइपर निम्न सीमा माने ये 10 रु अने धरने जो गोटे संभाग अच्छी तो तार निम्न सीमा हूँ 10 माइनस 0.5 माने निम्न सीमार आम 0.5 माइनस करवा तो आम पाइला 9.5 तो ये निम्न सीमा हूँ 9.5 ठीक निम्न सीमा हूँ 9.5 एवं ठीक उच्च सीमा पाइबापी हेले आम माने उच्च सीमार 0.5 जोग करवा उच्च सीमा 19 थिला से 0.5 जोग कले आम पाइला 19 प्लस 19.5 तो उभय को आम मिसई देलापर 9.5 प्लस 19.5 बाय 2 कले 29 बाय 2 होता हूँ 14.5 तो प्रथम संभागर मध्यबिंदु निर्णय करी से संभागर विस्तार आम विस्तार को जदि परवर्त संभाग गुड़िक मान विस्तार को जदि आम जोग कर चलता तेल परवर्त संभाग गुड़िक मध्यबिंदु आम पाइपर मानने 10 रु 20 गोटे संभाग थी तार मध्यबिंदु है 5 एवं ये संभागर विस्तार हो सरी 10 रु 20 गोटे संभाग जो थी तार मध्यबिंदु आम पाइला 15 पाइला एवं ये संभागर विस्तार मान उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करवा मान 20 माइनस आम जब 10 करवा तेल आम कौन पाइबा 10 रु 20 जदि गोटे संभाग अच्छी 20 माइनस 10 कले आम 10 पाचु तो संभागर विस्तार हूँ 10 तो आम जो फास्ट मध्यबिंदु आम जो 15 पाइला 15 रे 10 जोग जोग माने जोग कर चलिए आम अन्य लब्धांग गुड़िकर मध्यबिंदु गुड़ को मध्यम पाइपर
तो एठी आमे जो सब सूत्र व्यवहार करितला ताको थोर देखिनो संभागर विस्तार निर्णय पय सूत्र थिला संभागर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा तापर मध्यबिंदु निर्णय पय थिला संभागर निम्न सीमा जोग उच्च सीमा बाय 2 एवं जे कोनोसी दुईटी क्रमिक संभागर मध्यबिंदुर व्यवधान सब बेले संभागर विस्तार सहित समान हेते एटाक मन रखिबाक हेबो जे दुईटी क्रमिक संभागर मध्यबिंदु द्वयर व्यवधान संभागर विस्तार सहित समान हेते এটাকে আমাকে মনে রাখিবাকু হব ধরনে যে দুইটি ক্রমিক সম্ভাগ হলে 10 রু 20 এবং 20 রু 30 এই উভয়ঙ্কর মধ্যবিন্দুর ব্যবধান 10 রু 20 র মধ্যবিন্দু হেউচি 15 এবং 20 রু 30 র মধ্যবিন্দু হেউচি 25 তো এগুড়িক এই মধ্যবিন্দু দ্বয় মধ্যে ব্যবধান কোন 25 মাইনাস 15 কলে আমি পাইবা 10 এবং এটি আমি জানিলা যে সম্ভাগর বিস্তার মধ্যে হেউচি 10 তো এইথিরু আমি জানিলা যে দুইটি ক্রমিক সম্ভাগর মধ্যবিন্দুর ব্যবধান সবলে সম্ভাগর বিস্তার সহিত সমান হইতে তো বিচ্ছিন্ন সম্ভাগর নিম্ন সীমা নির্ণয় করিবার সূত্র হলা নিম্ন লব্ধাঙ্ক মাইনাস 0.5 এবং উচ্চ সীমা নির্ণয় করিবার সূত্র হেউচি উচ্চ লব্ধাঙ্ক প্লাস 0.5 তো পণ্যপণ্য বিতরণ বহুভুজর উচ্চতা কোন হব সবলে প্রস্তর প্রায় 75% বা 75% হওয়া আবশ্যক এইটাকে মনে রাখিবাকু হব যে পণ্যপণ্য বিতরণ বহুভুজর উচ্চতা তাহার প্রস্তর সবলে 75% হওয়া আবশ্যক ଏହାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତଲେଖ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭାଗବିହୀନ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତଲେଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଭାଗବିହୀନ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇନଥିବ ସମ୍ଭାଗ ନଥିବ କେବଳ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥିବ ଏବଂ ତା'ର ବାରମ୍ବାରତା ଯଦି ଧରିନିଆ ଯଦି ଦିଆହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ସମ୍ଭାଗ ଦିଆହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ମାନେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବୃତ୍ତଲେଖରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ସମୁଦାୟ ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖର ବୃତ୍ତଟି ସମୁଦାୟ ତଥ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦତ୍ତ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ ତ ବୃତ୍ତଲେଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଅନେକ ବୃତ୍ତକଲା ରହିଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଲା ନେବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବା ବୃତ୍ତକଲାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏନ୍ ବାଏ ପି ଇଣ୍ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବୃତ୍ତକଲା ଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଏନ୍ ବାଏ ପି ଇଣ୍ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଯେଉଁଠାରେ ପି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟର ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଏନ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ଆୟସା ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତଲେଖ ମାନେ ତିଆରି କରିବା ତୋର ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଘର ଭଡ଼ା 21 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ 3 ଶିକ୍ଷା 36 ଯାତାୟାତ 6 ଖାଦ୍ୟ 42 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 12 ମୋଟ ହେଉଛି 120 ତ ମୋଟ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଏଠି 120 ତ ବୃତ୍ତଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୃତ୍ତକଲାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ତ ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ 21 ଥିଲା ତ ଆମେ ଏଇ ଏହାର ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଲା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି 21/120 ଇଣ୍ଟୁ 360 ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମାନେ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କରାହେଇଛି 360/120 ଇଣ୍ଟୁ 21 ଏହା କଲେ ହେଉଛି 63 ଡିଗ୍ରୀ ତାପରେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଲାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫାଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଲାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହି ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଏଠି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା 120 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ କୋଣର ପରିମାଣ ଥିଲା 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ବୃତ୍ତଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ବୃତ୍ତଲେଖଟି ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସେହି ଦିଗରେ ହେଉ ଆମେ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକରି ଚାଲିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖ ତ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଛବି ଲେଖ ଏବେ ଆମେ ବୃତ୍ତଲେଖ ଅଙ୍କନର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତି ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୂତ୍ର ଦିଆହେଇଥିଲା ସେହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା କ୍ରମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିପରୀତ କ୍ରମରେ ହେଉ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ବୃତ୍ତକଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ତ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ଏଇଥିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେମିତିକି ବୃତ୍ତକଳା ତାପରେ ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ତ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଚାପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବୃତ୍ତକଳା ତ ବୃତ୍ତକଳାର କ'ଣ ଥାଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାପ ଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବୃତ୍ତକଳା ଏବଂ ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ 360 ଡିଗ୍ରୀର ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ତ ଆମେ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳାର କିଛି ନା କିଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି 360 ଡିଗ୍ରୀର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୃତ୍ତକଳାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଟୋଟାଲ 360 ଡିଗ୍ରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିକାର ଡିସ୍କସନ୍ ଆଧାରିତ କିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ମାନେ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ମାଧ୍ୟମର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆହେଇଛି ବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ତା'ର ଦିଆହେଇଛି ତ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖ ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତ ଏଠି ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍ ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ କାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏବଂ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଲେଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିଆହେଇଛି ନରହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ତ ସେହି ସାରଣୀକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛବି ଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ଦିଆହେଇଛି ସେହି ସଙ୍କେତକୁ ବା ସେହି ଛବିକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ ବହି ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛବି ଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତ ଆଜିକାର ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ମାନେ କେମିତି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିପାରିବା କେମିତି ମାନେ ବହୁଭୁଜ ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବହୁଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଛବି ଲେଖ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଛବି ଲେଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା ତ ଆଜିକାର ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।